जैसा कि आप देख सकते हैं, कंप्रेसर मैंने फिट कर दिया है और ये कंडेंसर अभी बीच में फिट कर रहे हैं। इसका ये जो पाइप होता है, इसके रिंगे वगैरह रिप्लेस कर लिया करें, क्योंकि फिर ये अगर लीक कर जाए तो बहुत मुश्किल होती है बार बार। तो ईज़िली आपको इधर से रिंगों के साइज़ मिल जाते हैं, बॉक्स मिल जाते हैं ईज़िली। तो ये रिंगों का रिप्लेस करके ग्रीस लगा के फिर कंडेंसर में फिट करें। अभी मैं फ़िट कर रहा हूँ सारा, फिर इंशाल्लाह आगे रेफ्रिजरेंट फिल करने के टाइम वीडियो कंटिन्यू करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इसका कंडेंसर हम बिल्कुल नया रिप्लेस कर रहे हैं और कंप्रेसर इसका सेकंड हैंड ओरिजिनल लगा रहे हैं। पुराना इसका आपको दिखाया था मैंने, कंडेंसर के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन और आ गया था पाउडर सिल्वर का, और कंप्रेसर इसका सीज हो चुका है। इसका जो प्रॉब्लम था, कंप्रेसर ट्रिपिंग नहीं कर रहा था, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आई है, कंप्रेसर सीज हुआ है ओवर हीट होकर। जी पर जैसा कि आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें फिटिंग कर दी हैं, अंदर फ़ैन वगैरह भी फिट कर दी हैं, रेडिएटर भी, वाटर भी इसका फुल कर दिया है। और ये इसके अंदर मैंने एयर इंसर्ट की हुई है 300 PSI, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कुछ भी लीकेज नहीं है। अब इसके अंदर से एयर ड्रेन करेंगे और वैक्यूम करने के बाद तकरीबन इसके अंदर 120 ml और ऑयल फिल करेंगे, क्योंकि कंप्रेसर में ऑलरेडी मैंने इसके 40 ml ऑयल इंसर्ट कर दिया था फिट करने टाइम। और बाकी का ऑयल अब हम इसमें सक करवा के सेक्शन के ज़रिए फिल करके अपनी रेफ्रिजरेंट के सिलेंडर के साथ लगाएंगे। देखेंगे फिर इंशाल्लाह जो इसकी परफॉर्मेंस है वो क्या मिलती है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है, इसका ऑटोमेटिक ट्रिपिंग नहीं कर रहा है, तो एक थर्मोस्टेट हमें इसे बाहर ही लगा देंगे ताकि इसका कंप्रेसर ट्रिपिंग करना स्टार्ट कर दे। अंदर जो बेलो सेंसर आता है उसका फॉल्ट है, जिस वजह से कंप्रेसर कंटिन्यू चल चल के बर्न हो गया है, हीट अप हो गया। ये फॉल्ट है इस गाड़ी में। तो तरीक़ेकार मैंने आपको बताया पूरी वीडियो के अंदर किस तरीके हम अपना पूरा सिस्टम फ्लश कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह इसे एयर को ड्रेन कराते हैं और वैक्यूम करने के बाद फिर ऑयल फिल करके आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आप देख सकते हैं वैक्यूम मैंने कर दी है माइनस के अंदर गेज। अब ये ऑयल में इसके अंदर इंसेक्ट करता हूँ और फिर सिलेंडर के साथ लगा के आगे वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तकरीबन इसके अंदर 120 ml मजीद ऑयल फिल करेंगे और फिर सिस्टम के साथ रेफ्रिजरेंट के साथ लगा के अपनी रेफ्रिजरेंट फिल करेंगे। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑयल मैंने ये दोनों कैन में से फिल कर दिया इसके अंदर। ये आप देखें, अब रेफ्रिजरेंट के सिलेंडर के साथ भी लगा दिया। इधर से ओपन कर लेते हैं सिलेंडर को, और सबसे पहले इसके अंदर 40 PSI हम इंसेक्ट करेंगे रेफ्रिजरेंट, फिर गाड़ी स्टार्ट करके बाकी कर फिल करेंगे। सिस्टम के अंदर तकरीबन 170 ml ऑयल टोटल हमने फिल किया, क्योंकि इसको फुल फ्लश किया था और इसका कंडेंसर भी रिप्लेस किया। देख सकते हैं 40 PSI तक आ गया। अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं और एसी ऑन करते हैं, देखते हैं कंप्रेसर का क्या सेक्शन आता है, फिर बाकी की रेफ्रिजरेंट फिल करेंगे। और इसके लिए हमें अलग से एक थर्मोस्टेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट ही चल रहा है, कट ऑफ नहीं हो रहा है, जिस वजह से पहला कंप्रेसर ख़राब हुआ था। गाड़ी स्टार्ट कर दी है, ठीक लाओ। चल चलाए सी, आप देख सकते हैं माशाल्लाह सेक्शन आने लग पड़ा बैक प्रेशर। अब सिलेंडर उल्टा करके बाकी का रेफ्रिजरेंट फिल करेंगे। रेफ्रिजरेंट को स्लोली स्लोली फिल करना चाहिए, एकदम से नहीं फिल करना चाहिए, ताकि उसकी सर्कुलेशन प्रॉपर हो सके। टायर मसाला ठंडा होने लग पड़ा और रेफ्रिजरेंट फिल करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट ठंडा काम करते हैं, तो थोड़ी देर सर्कुलेट होने देंगे, फिर मज़ीद इसमें रेफ्रिजरेंट थोड़ी सी फिल करेंगे।
आप देख सकते हैं नीचे हमारा कंप्रेसर है बिल्कुल एंगेज है, ये देखें। और फैन भी हमारे इधर चल रहे हैं दोनों, थोड़ा सा ऐसे सर्कुलेशन होने देते हैं, फिर इंशाल्लाह मज़ीद इसमें थोड़ी सी रेफ्रिजरेंट फिल करेंगे और फिर अंदर चल के डिजिटल थर्मामीटर लगा के चेक करते हैं हमारे इनसाइड का टेम्परेचर कितना आ रहा है। इसका ऑटोमेटिक ट्रिपिंग नहीं हो रहा है, उसके लिए हमें एक थर्मोस्टेट लगाना पड़ेगा। अगर ओरिजिनल तरीके से करना चाहते हैं तो फिर हमें अंदर इसके जो बैलो सेंसर आता है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। स्कैनर लगाते हैं साथ, वो भी चेक करते हैं क्या फॉल्ट दे रहा है, वो भी देखते हैं। और थोड़ी सी अभी मज़ीद इसमें रेफ्रिजरेंट और फिल करनी पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं बैक प्रेशर 35 पे आ चुका है, हाई प्रेशर 170-180 इस तरीके परफॉर्म कर रहा है और इसकी पाइप के ऊपर फुल बुखार आ चुकी है। आप ये देखें ठंडक, ये देखें कितनी ज़बरदस्त है माशाल्लाह, सर्कुलेशन हो रहा है। अगर ये सिस्टम ट्रिपिंग नहीं कर रहा है इस वजह से इसका पहला कंप्रेसर भी बर्न हो गया था, जल गया था। अब इसको अगर मैनुअल थर्मोस्टेट भी लगा के हम अपना सिस्टम ऑपरेट करवा सकते हैं, क्योंकि कंप्रेसर में एक ही तार आ रही है क्लच की, तो इस तार को सेंटर से कट करके दो तारें लेके आएंगे और इधर थर्मोस्टेट किसी जगह पे लगा के अपना ये फॉल्ट हम क्लियर कर सकते हैं। अगर ओरिजिनल तरीके से करना चाहते हैं तो फिर अंदर हमें इसका कूलिंग बॉक्स के अंदर थर्मोस्टेट लगाना पड़ेगा। वैसे फ़ैन की स्पीड हाई हुई है दोनों, देख सकते हैं साथ ही हाई प्रेशर भी हमारा नीचे आ गया, सेक्शन हमारा 35 पे चल रहा है, अच्छी ज़बरदस्त ठंडक है। पाइप पकड़ने पे मालूम पड़ रहा है बहुत ज़बरदस्त ठंडक है, देखें। अब इसका स्कैनर अंदर लगाते हैं और देखते हैं हमारा अंदर बैलो सेंसर का क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है। फ्रेंड थोड़ी सी मज़ीद और इसमें रेफ्रिजरेंट फिल करेंगे, और देख सकते हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुखार आ चुकी है, पूरा पाइप चिल हो चुका है अंदर तक, कंप्रेसर हमारा ट्रिपिंग नहीं कर रहा है। फॉल्ट इसमें जो पहले भी था ट्रिपिंग का ही था, इसी वजह से हमारा पहला कंप्रेसर भी बर्न हो चुका है। थोड़ी सी मज़ीद इसमें रेफ्रिजरेंट फिल करेंगे और फिर अंदर चेक करेंगे इसका क्या फॉल्ट है। अच्छा बिल्कुल माशाल्लाह प्रॉपर आ गया, पाइप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा चिल है, हाथ में पकड़ने के ऊपर पता लग रहा है, देखें किस तरीके पानी फेंक रहा है। देखें थोड़ी सी मज़ीद और रेफ्रिजरेंट फिल कर सकते हैं, रेफ्रिजरेंट ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो चुकी है, मज़ीद रेफ्रिजरेंट की ज़रूरत नहीं है। अब अंदर चलते हैं डिजिटल थर्मामीटर लगा के चेक करते हैं, देखते हैं। ये फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं इसका जो फॉल्ट था बैलो सेंसर का वो क्लियर कर दिया, अंदर वायरिंग के अंदर थोड़ा इशू था, बैलो सेंसर अब क्लियर है। फैन हमारा कंप्रेसर ऑटोमेटिक ट्रिपिंग कर रहा है, देखें अब कंप्रेसर इस टाइम रुका हुआ है, अभी थोड़ी देर में कंप्रेसर दोबारा ऑन होगा, देखिएगा। कंप्रेसर दोबारा ऑन हो गया और ये गेज भी हमारी नीचे आ गई है। इसका कंसोल बॉक्स मैंने ओपन करके देखा, उसके अंदर वायर इसका इशू आ रहा था, वायर एक लूज कनेक्टर था जिस वजह से पहले ट्रिपिंग नहीं कर रहा था, अब ट्रिपिंग होना स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं कंप्रेसर का बैक प्रेशर 25 सेल आ रहा है PSI, और स्कैनर के ऊपर भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। इससे पहले हमारे स्कैनर में भी फॉल्ट दे रहा था, ये देखें कंप्रेसर ट्रिप कर गया, ये दोबारा फिर ऑन होगा, पाइप हमारा फुल चिल हुआ है। कंप्रेसर दोबारा ऑन हो गया, अब इधर से जाते हैं सिस्टम सिलेक्शन में। इसके अंदर दो जगह हम AC का सिस्टम चेक कर सकते हैं,
देखिए आप देख सकते हैं PGM जो इंजन का सिस्टम होता है उसमें भी जाके चेक कर सकते हैं। दूसरा इसका अलग से भी सिस्टम इधर दिया जाता है एयर कंडीशनिंग का, या देखिए एयर कंडीशनिंग है इधर से भी हम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें आपको फॉल्ट कोड है या नहीं। पहले इसके अंदर हमारा बेलो सेंसर का फॉल्ट कोड आ रहा था। अब कंप्रेसर अलहमदिल्ला ट्रिपिंग होना स्टार्ट हो चुका है। ये देखें एन ओपन इन द वाइब्रेटर टेम्परेचर सेंसर सर्कल, ये इसका पुराना कोड आ रहा था। अंदर वाइब्रेटर का जो सेंसर था उसका प्रॉब्लम था, वो मैंने क्लियर कर दिया फॉल्ट। आप देखें हम कंप्रेसर हमारा ट्रिपिंग होना स्टार्ट हो चुका है। फॉल्ट इधर अभी भी वो मौजूद है क्योंकि मैंने क्लियर नहीं किया। ये अंदर ग्लो बॉक्स के पीछे इसकी वायरिंग थी। देखें दोबारा कंप्रेसर ऑन हुआ, इधर से बैक जाते हैं और वी डाटा स्ट्रीम में जाके देखते हैं। इधर से भी हम इसको रीड कर सकते हैं और इंजन में भी जाके कर सकते हैं। हम इंजन में चले जाते हैं बैक PGMI में। ओके करेंगे इधर से, इधर से रीड डाटा स्ट्रीम। या आप देख सकते हैं इधर हमारे सारे सेंसर शो कर रहे हैं, क्लच एसी का क्लच, थ्री पिन हाई प्रेशर सेंसर, एसी प्रेशर सेंसर, एसी स्विच। ओके कर देते हैं। अब ये देखें इधर ऑटोमेटिक हुआ हुआ है, गेज के ऊपर भी और उधर भी ऑफ दिखा रहा है। जैसे ही वो ऑन होगा इधर आपको शो करेगा, देखिएगा। ये देखें गेज के ऊपर भी ऑन हो गया, उधर सिस्टम में भी ऑन हो गया। इधर जितना हमारा हाई प्रेशर शो कर रहा है मीटर में भी आप देख सकते हैं उतना ही शो कर रहा है। इधर तकरीबन 180 के करीब आ रहा है, उधर भी देखें 170 इस तरीके शो कर रहा है। इस टाइम हमारा क्लच ऑन है, कंप्रेसर हाई प्रेशर भी हम इसमें इजीली चेक कर सकते हैं, स्टेटस अपना कंप्रेसर का भी चेक कर सकते हैं। ये थ्री पिन हाई प्रेशर सेंसर के आउटपुट वोल्टेज हैं, ये हाई प्रेशर सेंसर का। देखें कंप्रेसर ट्रिप करके ऑफ हो गया सिस्टम। इस तरीके हम अपना पूरा सिस्टम A to Z क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल होगा। पूरी वीडियो मैंने आपको बना के दिखाई है, आप देखें किस तरीके सिस्टम चिल हुआ हुआ है। पाइपों के ऊपर आप देख सकते हैं ठंडक, इनसाइड भी मैं आपको दिखाता हूँ कितनी ठंडक है। इधर से मैंने आपको चेक करवा दिया सारा सिस्टम, अंदर जाके भी आपको दिखाता हूँ। अंदर हमने थर्मामीटर लगाया हुआ है, यह मैंने बंद कर दिया सारा, पहले खोला था। और इनसाइड का आप देख सकते हैं टेम्परेचर, सिस्टम कंप्रेसर ट्रिप हुआ हुआ है, तकरीबन 10 के करीब चल रहा है। कंप्रेसर ऑन हुआ है, देखें स्पीड के साथ हमारा टेम्परेचर डाउन हो रहा है। बहुत अच्छी खासी अंदर ठंडक है, तकरीबन 5 सेल्सियर तक चला जाता है और फिर कंप्रेसर ट्रिपिंग करता है 4-5 के ऊपर आने के बाद। आप देख सकते हैं बहुत स्पीड के साथ हमारा नीचे जा रहा है। अभी कंप्रेसर हमारा स्टेटस ऑन है इधर, ये आप देख सकते हैं, देखिए अब ऑफ हो गया 5 के ऊपर आने के बाद। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फायदा हासिल होगा। 5 वक्त नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, तौबा इस्तगफार करें। अगर किसी के साथ नेकी और भलाई करने का मौका मिलता है तो ज़रूर करें, यही दुनिया आखिरत की कामयाबी है। ये सब वीडियोस बनाने का मकसद है कि बहुत सारे लोग मुस्तहिक हैं जिनके पास इतने वसाइल नहीं होते हैं काम सीख सकें, उन सबको सपोर्ट किया जा सके, उनकी रहनुमाई की जा सके ताकि वो अच्छा और बेहतर रोज़गार कमा सके। आप देख सकते हैं अब जैसे ये 10 के ऊपर जाएगा हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। ये देखें 11 सेल्सियर आते साथ ही कंप्रेसर ऑन हो गया, और जब फिर ये 4-5 के ऊपर टेम्परेचर आएगा कंप्रेसर ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।